जो उन्होंने देश के लिए किया है मुझे नहीं लगता शायद किसी ने पहले किया हो और आगे भी कोई कर पाएगा। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको हम डेरा सच्चा सौदा के अंदर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ जो लेडीज़ यहाँ पर आ रही हैं उनसे आपको सीधी बातचीत दिखाते हैं, जानते हैं इनको कैसा महसूस हो रहा है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह चिंसा अभी समाज में वापस आए हैं, फरलों पर वो आए हैं, इनसे इनको कैसा महसूस हो रहा है जानते हैं इनसे बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? मेरा नाम मीनू इंसा। मीनू जी, आप कितने समय से आ रहे हो डेरा सच्चा सौदा में? मेरे को यहाँ पे हो गए 25-30 साल से आ रही हूँ मैं। मैम अब भी आप रेगुलर आ रहे हो यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगता है, यहीं आके ही शांति मिलती है, यहीं पे ही जो नज़ारा है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आपको फेथ कितना है मैम संत जी के ऊपर? बेशुमार, कहने सुनने से परे मैं तो उनको अपना भगवान ही मानती हूँ, वो मेरे भगवान है, क्योंकि मेरे को उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी से निकाला है, तो मैं कैसे उनका एहसान भूल सकती हूँ, कभी भी नहीं भूल सकती। और आज वो आए हैं मेरे लिए, तो मैं कहती हूँ कि मेरे लिए डायमंड दिन लगा लो, गोल्डन दिन लगा लो, पता नहीं क्या क्या है जो मेरे को खुशी मिल रही है ना, बहुत ज़्यादा, कहने सुनने से परे। मैम आप इतनी एजुकेटेड हो, लोगों ने मतलब वेल फैमिली से हो, लोग कहते हैं यहाँ अनएजुकेटेड लोग आते हैं, जहाँ मतलब उनका अंधविश्वास है, क्या कहना चाहोगे आप इन सबके लिए? वो मेरे को लगता है जो ये अनएजुकेटेड कह देते शायद वो खुद होंगे ऐसा, बट यहाँ पे सारे ही आते हैं, जिनको मिलता है तो ही आते हैं ना, एजुकेटेड का तो यहाँ को वो है ही नहीं कि भी यहाँ तो श्रद्धा है, भावना है, अगर आप देखोगे तो पता नहीं क्या मिलेगा। मैम अब संत जी आए हैं सोसाइटी में, जो फलों पे समाज में आए हैं, आपको लगता है वो हमारे समाज हमारे देश के हित में है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो उन्होंने देश के लिए किया है मुझे नहीं लगता शायद किसी ने पहले किया हो और आगे भी कोई कर पाएगा, ये गारंटी से मैं कह देती हूँ। किस तरीके के कार्य है, किस तरीके का कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया मैम? कंट्रीब्यूशन उन्होंने देखो कितना दुनिया में इतना नशा था, इतनी भ्रूण हत्या, बलात्कार, ये वो, कितना उन्होंने वेश्याओं को अपनी बेटी बनाया, बताओ किसने आज तक किसी वेश्या को भी बहन बनाया हो, बेटी बनाना तो दूर, उसकी शादी करना तो दूर की बात है, और इतने अच्छे अच्छे घरों में भेजना बेटियों को, वेश्याओं को, और देखो ये कोई चमत्कार से कम तो नहीं है, ये पहले इतने इतिहास में नहीं हुआ ऐसा कभी भी, अब हो रहा है, तो ये तो कितनी बड़ी बात है कि ये सिर्फ गुरुजी कर सकते, कोई और कर ही नहीं सकता। मैम लेकिन दूसरी तरफ सेंट डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जी इंसा के ऊपर ही ऐसे एलिगेशंस लगाए गए, उन्हीं के ऊपर बातें उठाई जा रही हैं, उसके बारे में मीनू जी क्या कहोगे आप? सच को आँच आती है, बट सच की जीत होती है, क्योंकि उनको लगा होगा ना ये कि भी ये आगे ना निकल जाए, कहीं हमारा कुछ हो जाए, ऐसा तो उनके कभी सोच भी नहीं आई थी, उनका खुद का था ऐसा कि भी हमारा शायद कुर्सी छिन जाएगी, इसीलिए उनका साथ ये किया। मैम आश्रम में आप आज बुरा किया इन्होंने, कितना बुरा किया कि बहुत ज़्यादा हमारा, हम जैसे का दिल दुखता है, मेरा अकेली का ही नहीं, हम जैसी संगत, पूरी संगत का, करोड़ों की संगत का हमारा दिल दुखा है कि इन्होंने क्या क्या नहीं किया, गुरुजी ने इतने समाज के भलाई कार्य किए, इतना देश को आगे किया, और उन्होंने उल्टा उनको देशद्रोही कर दिया, कितनी बुरी बात करी, ऐसा देखो कितना गलत है ये, मैं तो कहूँगी बहुत गलत किया इन्होंने। बस आपको क्या लगता है जो यहाँ पर लेडीज़ आती हैं उनकी इज्जत को भी कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा तार तार किया जा रहा था, 4-4.5 साल पहले काफ़ी ऐसी बातें आश्रम को, आश्रम के बारे में, यहाँ आने वाली लेडीज़ की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, क्या कहना चाहोगे आप? गलत था वो, जो गुरु जी, मेरी बात सुनो, जो गुरु जी नाम देते समय ये बात कहते हैं कि 3 वचनों में रहना, शराब नहीं पीना, मांस अंडा नहीं खाना, प्राय स्त्री के पास नहीं जाना, प्राय पुरुष के पास नहीं जाना, तो वो ये सोचना भी गुनाह है, ये तो सोचना भी गुनाह है, और बातें फैलाना ये तो पता नहीं बहुत ही गलत है, इनकी तो जितनी निंदा की जाए ना कम है। मैम क्या पब्लिक को क्या कहना चाहोगे आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? मैं तो यही कहूँगी कि भी आप एक बार आके देखो, जो मैं नज़ारे लूट रही हूँ तो वो भी आप भी लूट के देखो, बस मैं तो यही कहूँगी। जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये है असली फैक्ट डेरा सच्चा सौदा विद सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह चिंसा का। आपको डेरा सच्चा सौदा के अंदर से हमने कवरेज दिखाई, जो लेडीज़ यहाँ पर आ रही हैं वो लगातार आपके सामने रख रही हैं अपना एक्सपीरियंस। इनका कहना है कि बहुत ही जो भी आरोप लगाए गए, जिस संत ने वेश्या तक को बेटी बनाया, जिस संत ने बेटियों को जाड़ियों से उठाकर उनको अपने माँ बाप का नाम दिया, भ्रूण हत्या से रोका, समाज को नशे से दूर किया, उसी संत को झूठे आरोप लगाकर समाज से दूर किया गया। इनका कहना है जिन लोगों को
ये चीज़ नहीं अच्छी लगती थी समाज हित के कारण, उन्होंने ही संत जी को समाज से दूर किया गया है और अब संत जी समाज में जो फरलों पे वापस आए हैं, इन लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा लग रहा है इनको और ये सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि जो भी ये चीज़ें हैं ये सच दुनिया के सामने आना चाहिए, पब्लिक के सामने जल्द से जल्द फैक्ट आने चाहिए। जो लगातार ये अपना एक्सपीरियंस लंबे लंबे समय से ये आ रहे हैं, ये अपना बता रहे हैं, आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़, ये सूत्रों के हवाले से कोई कवरेज नहीं है, डायरेक्ट पब्लिक की बातचीत आपको सीधी दिखा रहे हैं, आप भी देखते रहिए और फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद और सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे लेके जाने के लिए, सच का साथ देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।